हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेन। एडुटेन पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हम एडुटेन पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और फ्रेंड्स मैंने हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो पहला चैप्टर था, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक, जो जीके बाई अभिषेक है, सॉरी सॉरी हिस्ट्री बाई अभिषेक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाल दिया गया, जहाँ से आप लोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से आप अपना क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आइए आज पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी लोग थे वहाँ के, प्लेग फैला फ्रांस में, और उसके बाद लोगों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों ने जो अलग अपने रहने के लिए बनाया था, वहाँ पे क्या हुआ कि प्लेग फैल, चूहे बहुत सारे फैल गए सीवर लाइन्स के कारण। और उसके बाद क्या हुआ कि वियतनामियों को चूहे पकड़ने के लिए रखा गया, और उनको चूहे के बदले क्या कहता था, इनाम दिया जाता था। देखिए, चूहे फैले कहाँ थे? चूहे उन सीवर लाइन्स में फैले थे, जो कि फ्रांसीसियों के रहने के जो मॉडर्न टाइप का टाउन बना था, उसका सीवर लाइन्स के पाइप में फैले थे। और इससे क्या हुआ कि वियतनामी चूहे पकड़ कर ले जाते थे फ्रांसीसियों के सामने, और फ्रांसीसी उसके बदले एक चूहे का पूंछ देखते थे। पूंछ देख करके वे बताते थे कि मतलब तुमने चूहा पकड़ा है या नहीं, और इसके लिए वो प्रूफ सिर्फ पूंछ मांगते थे। अब क्या होता था कि वियतनामी क्या करते थे कि चूहे को पकड़ते थे, पूंछ काटते थे और चूहे को छोड़ देते थे, चूहा भी जिंदा रह जाता था। और फ्रांसीसी वाला काम ऐसे का वैसे ही रह गया। फिर उसी चूहे में फिर लोग क्या कहेंगे, पालने लगे चूहे को, किस लिए कि फ्रांसीसियों से इनाम पाने। अब इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं आपका रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। रिलीजन का मतलब आप सभी को भली भांति पता होगा कि रिलीजन का मतलब धर्म होता है, कॉलोनियलिज्म का मतलब उपनिवेशवाद, एंटी कॉलोनियलिज्म मतलब इसका विरोध। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ यूनिट है इस चैप्टर का। अब देखिए हमारे यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहा है कॉलोनियल डोमिनेशन वाज एक्सरसाइज बाई कंट्रोल ओवर ऑल एरियाज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। जो औपनिवेशिक वर्चस्व था, उसने क्या किया कि अपना वर्चस्व सार्वजनिक जीवन के सभी चीजों पर क्या हुआ, नियंत्रण कर लिया उसने अपना। अब यहाँ एक किसका कॉलोनी था, फ्रांस का कॉलोनी था। अब क्या हुआ, द फ्रेंच ऑक्यूपाइड वियतनाम मिलिट्री, बट दे ऑल्सो सर्व टू रीशेप सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब उसका क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने क्या किया कि जो भी सैनिक ताकत था, उसके सहारे क्या क्या पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद वहाँ का जो सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था, उसको भी वो बदलना चाहते थे। इसके लिए आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ाया कि वो लोग क्या करते थे कि अपना अपना स्कूल बनाए थे, उसमें क्या करते थे, फ्रांसीसी और गुणगान का किताब चलाते थे, कि फ्रांसीसी ही सब कुछ है। इसके लिए अब एक ससुर उधर है, वो प्रिंसिपल था, वो क्या किया कि वो लड़की को उठा दिया। कहानी आपको पिछले क्लास में पढ़ाए हम, आप नहीं थे अगर, जो भी मेरे विद्यार्थी जो भी मेरे साथी नहीं थे, वो पिछले क्लास में वीडियो जरूर देखें। उन्हें हुआ ये था कि वो प्रिंसिपल थे वो गर्ल्स स्कूल के, उसे रखा कि वो वियतनामी लड़की उठाए पीछे भेज दिया। वो लड़की इसका विरोध कर दी, उसको स्कूल से निकाल दी। उसे शुरू इतना मन बढ़ल थी। अब वो क्या हुआ कि वो लड़की के साथ बहुत सारा और लोग हो गया, लड़की वो सबको स्कूल से निकाल दी। अब वो इसका सारा वियतनामी विरोध करने लगा। अब क्या हुआ कि फिर फ्रांसीसी लोग देखे कि अभी था
हाथ से बाहर निकल रहा है, तो फिर ऑर्डर पास किए उसको, आपको स्कूल में लाया गया, और वो ससुरी का धमका रही है स्कूल में, दलेली कह रही है कि हम तुम लोग हमको यहाँ से बाहर भिजवाना चाहते हो, हम तुम लोग को एड़ी से मसाल देंगे। बताए ससुरी कितना खच्चर थी। और छोड़िए वो सब बात, एक कल्चरल लाइफ में लोग इंटरफेयर कर रहा था। प्रोवाइड रिलीजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सटेंडिंग कॉलोनियल कंट्रोल, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड वे ऑफ रेसिस्टेंस। कह रहा है कि जो धर्म था वो औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने में बहुत ही मतलब अच्छा, उन्होंने बताया वो उसी के कारण क्या था औपनिवेशिक शासन मजबूत था, लेकिन दूसरी ओर क्या था वो उसी धर्म के कारण अलग अलग टाइप से लोग क्या करते थे, फ्रांसीसियों का प्रतिरोध करते थे। कह रहे लेट अस कंसीडर हाउ इट इज हाउ दिस हैपेंड, अब आइए हम देखते हैं कि कैसे हुआ, कैसे धर्म से लोग क्या हुए उपनिवेशवाद के विरोध में है। पहले तो क्या था, ये धर्म के कारण फ्रांसीसी अपना उपनिवेशवाद फैला रहे थे, उनको मजबूती मिल रहा था, लेकिन इससे अब क्या हुआ, इस उल्टा पड़ने लगा। और अब वियतनाम से रिलीजियस बिलीफ्स वेयर मिक्सचर ऑफ ए बुद्धिज्म कन्फ्यूशियनिज्म एंड लोकल प्रैक्टिसेस। कह रहे वियतनाम का जो धार्मिक विश्वास है बौद्ध कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाज पर क्या था, आधारित था। कह रहा है क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मिशनरीज वाज इन इंटॉलरेंट ऑफ दिस इजी गोइंग एटीट्यूड एंड व्यूड द वियतनामीज टेंडेंसी टू रिवर द सुपरिचुअल एज समथिंग टू बी करेक्टेड। अब देखिए, अब फ्रांसीसी क्या थे, क्रिश्चियन थे, फ्रांसीसी कथी थे क्रिश्चियन थे। जब भी फ्रांसीसी मिशनरी होता है, क्रिश्चियन को क्या होता है, मिशनरी होता है, जब भी फ्रांसीसी मिशनरी थे वियतनाम में क्या करते थे कि ईसाई धर्म को फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनको क्या होता था कि वियतनामियों के भी जो भी धार्मिक जीवन में थे इस तरह का हाल में क्या था, उनको पसंद नहीं था वियतनामियों का, ठीक है। उनको लगता था कि जो भी शक्ति है मतलब जो वियतनामी शक्तियों को पूजते हैं, ठीक है, इसको क्या किया जाए, सुधारा जाना चाहिए। वियतनामी वो क्या बुद्ध भगवान का पूजा करते थे, कन्फेस ये सबको पूजा करते थे, और क्रिश्चियन में तो लोग जीसस क्राइस्ट को पूजा करते, उनको क्या लगता था कि इन लोगों को पूजा करना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, वियतनामियों को सुधारा जाना चाहिए कि इनका पूजा नहीं रहे ससुरा, हमारा जीवन हम देकर पूजा करें, तू कौन है हमको सुधारने। जो यूरोपियन कंट्रीज वाला सा था ना, ये सब अपने आप को बहुत ही बड़का तेज समझता था, ये सब समझता था कि हम ही लोग के कारण अभी कैसे अमेरिका है, ये कहीं कुछ होता है। ट्रम्प जब सरकार में था तब ससुरा कहता था कि आइए हम मध्यस्थता करने के लिए, ससुरा तू ही मध्यस्थ है, तू सरपंच है, नहीं होता कि हम बहुत बड़े आदमी हैं हम मध्यस्थता करें। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है, जो बीच का रास्ता निकाले, और वही सब को हो गया था यूरोपियन कंट्रीज वाला सब। इस तरह से समझता था कि हम ही लोग क्या है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को चारों तरफ फैलाएंगे, हमारा ही कल्चर सबसे सुप्रीम है, और जो भी लोग रह रहे हैं वो एकदम नहीं होता है निचले तबके के हैं, उनको सुधारा जाना चाहिए, ये हमारा धर्म है, मतलब हमारा ड्यूटी है कि हम उनको सुधारे, उनको वेस्टर्न कल्चर सिखाए। ये देख रहे हैं वो लोग, ऊपर में देखिए वो फोटो दिया हुआ है, इस तरह जूता मोजा पैंट शॉर्ट पहन के खेल रहा है गोल्फ, आ सारा बॉल गिरा दे रहा है नीचे, सही होता वो है, देख रहे हैं कैसे बनल है बोका की तरह, ये अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में दिखा रहा है। छोड़िए, अभी आज जो ये सब फ्रांसीसियों का ये काम है, ठीक है, देख रहे हैं वियतनामी से ये लोग को ठग दिया, पॉच काट के जाता था चूहा छोड़ देता था, इसलिए कोई किसी पर सुपर नहीं है, सब लोग एक समान है, सबका दिमाग है। पर फ्रॉम द 18th सेंचुरी मेनी रिलीजियस मूवमेंट वेर हॉस्टाइल टू द वेस्टर्न पर्सियंस। और 18वीं सदी में क्या हुआ कि बहुत सारा जो धार्मिक आंदोलन था वो वेस्टर्न जो भी पर्सियंस था, पश्चिमी जो भी शक्ति थी उसके मतलब उपस्थिति के खिलाफ क्या कर रहे थे, लोग मतलब लोग को बता रहे थे कि जो पश्चिमी शक्ति है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, लोगों को समझाने बुझाने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। कर एन अर्ली मूवमेंट अगेंस्ट फ्रेंच कंट्रोल
एंड द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज द स्कॉलरशिप वोट इन 1868 करें 1869 का स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट का मतलब होता है विद्वानों का विद्रोह। फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ था उसमें सबसे शुरुआती का ये आंदोलन था, ठीक है। अरे दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय ऑफिशियल एट द इंपीरियल कोर्ट एंगर्ड बाय द स्प्रेड ऑफ कैथोलिज्म एंड फ्रेंच पावर। अब इसमें क्या हुआ था कि इस आंदोलन का जो मेन था, जो बागडोर था, मतलब नहीं होता है कि जो सबसे पहले काम शुरू किया, इसके साथ में था शाही दरबार के जो भी अफसर थे उन्हीं के हाथ में था। जो भी अफसर थे कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से क्या थे, खुश नहीं थे, ठीक है। कह रहे दे लीड अ जनरल अपराइजिंग इन नेग्यू एंड हाटियान प्रोविंस वेयर ओवर 1000 कैथोलिक्स वेयर किल्ड। इन लोगों ने क्या किया कि नेग्यू अन और हाटियान जो भी प्रांत थे ने क्या किया, बगावत करा दिया और उसका नेतृत्व किया, मतलब उसके नेता बने, जिसमें क्या हुआ कि 1000 से ज्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला गया। मतलब जो भी 1000 से ज्यादा ईसाई थे उनको मुंगा दिया, ठीक है। ये जो नेग्यूहान प्रोविंस था और टीएन प्रांत में, दोनों में 1000 से ज्यादा ईसाई हो गए, मुंगा दिया गया। कैथोलिक मिशनरीज हैड बीन एक्टिव इन विनिंग कन्वर्ट सिंस द अर्ली 17th सेंचुरी एंड बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंड कन्वर्टेड सम 13,000। अब कह रहा है कि जो भी कैथोलिक मिशनरी थी उन्होंने 17वीं सदी के शुरुआत से क्या किया, स्थानीय लोगों को क्या करने लगे, ईसाई धर्म से जोड़ने लगे। 18वीं सदी आते आते जब अंत हुआ 3rd सदी तब तक उन्होंने क्या किया, 3,00,000 3,00,000 लोगों का किया ईसाई बना दिया था। अब मिशनरी का काम ये होता है ईसाई बनाना, हम किसी धर्म का खिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं ना है कि आप किसी को जबरदस्ती उसका धर्म छोड़वा दे, तो अच्छी बात नहीं है। अब हम किसी को जाए जबरदस्ती है ना आप हिंदू बन जाइए आप मुसलमान, तो ये अच्छा बात नहीं है। अब किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं, ईसाई मिशनरी लोग पर लोभन देगा करता है किसी किसी का धर्म परिवर्तन, ये सब गलत बात। अरे द फ्रेंच क्रश द मूवमेंट फॉर दिस अपराइजिंग सेल टू इंस्पायर अदर पैट्रियट्स टू राइज अप अगेंस्ट देम। और फ्रांसीसियों ने कहा कि 1868 में जो आंदोलन था शाही दरबार के अफसरों ने जिसका नेतृत्व किया था उसको किया क्रश कर दिया, मैंने कुचल दिया। और इस बगावत में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के खिलाफ अन्य जो भी देशभक्त थे, जो भी वियतनामी थे, जो देशभक्त थे, कैसे हम लोग यहाँ बहुत सारे देशभक्त हुए, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सब लोग क्या था, देशभक्त थे। जब आंदोलन हुआ था और जो लोग देशभक्त थे उनके भी अंदर क्या होगा, ऊर्जा का संचार हो, वो भी सोचे कि हम भी कर सकते हैं कुछ, नहीं आओ इन्हें अब जो होगा सर देखा जाएगा, जय ना तो अच्छा है। द इलाइट इन वियतनाम वेयर एजुकेटेड इन चाइनीज एंड कन्फ्यूशियज्म। जो वियतनाम में इलाइट क्लास के लोग थे, मतलब जो बहुत बड़े लोग थे, वो चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद का शिक्षा। देखिए कन्फ्यूशियसवाद आपके मन में वो सवाल उठ रहा होगा कि ससुर कन्फ्यूशियसवाद कथी होता है। देखिये कन्फ्यूशियसवाद क्या है, कह रहे कन्फ्यूशियस है चाइनीज थिंकर, कन्फ्यूशियस कौन था, वो चीनी विचारक था, ठीक है। डेवलप्ड अ फिलोसफिकल, अभी फॉर्म पूरा पढ़ के आपको हिंदी में समझाते, कह रहे डेवलप्ड अ फिलोसफिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट, प्रैक्टिकल विजडम एंड प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप। पीपुल वेयर टॉट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड सबमिट टू एल्डर्स, दे वेयर टोल्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द पेरेंट्स। अब देखिए कन्फ्यूशियस का था, चाइनीज थिंकर था, उसने कहा कि सदाचार, व्यवहार, बुद्धि, जो भी अच्छा सामाजिक संबंध था, सबका क्या आधार बनाया, वो दार्शनिक व्यवस्था विकसित किया, ठीक है। उसी के सिद्धांत के आधार पर लोग क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग माता पिता का आदर करना, उनका कहना मानना, जो भी हम लोग आज करते हैं, कहते हैं उसी का विकसित किया हुआ क्या दार्शनिक व्यवस्था है।
उसी के जो दार्शनिक व्यवस्था उसी में ही सिखाया जाता था कि राजा और प्रजा का संबंध वैसा होना चाहिए जैसा कि बच्चों का माता पिता के साथ संबंध होता है, माता पिता का बच्चों के साथ होता है। अब समझे कॉन्फ्यूशियस कौन था? अब देखिए आगे पढ़ते हैं, बट द रिलीजियस बिलीफ एमोंग द पीजेंट्री वर शेप्ड बाई अ वराइटी ऑफ सिंक्रेटिक ट्रेडिशन दैट कम्बाइंड बुद्धिज्म एंड लोकल बिलीफ। और लेकिन क्या था, ये लोग जो इलेट क्लास के लोग थे जो ज्यादा पैसा वाले थे उसे ही पढ़ लेते थे, लेकिन जो भी वियतनामी थे, ठीक है वियतनामी का है, बट द रिलीजियस बिलीफ मतलब जो भी यहाँ पे किसान थे, ठीक है उनका क्या था, धार्मिक विश्वास के प्रति मतलब धार्मिक जो भी उनका विश्वास था, ठीक है सब क्या था, वो सब अपने पुराने परंपराओं से उनका धार्मिक विश्वास जन्मा था, ठीक है, जिसमें क्या था वो लोग बौद्ध धर्म और स्थानीय मूल्य मान्यता जो भी मतलब लोग अपना लोकल मूल मान्यता था उस दोनों का कथित था मिश्रण था। अब देखिए हम लोग अभी हिंदू धर्म है लेकिन लोकल में क्या होता है, लोग गोरिया बाबा वनी मई सबको पूजता है, कहीं कहीं अलग अलग लोकल पूजा भी हो, जैसे आप लोग गाँव में ब्रह्म बाबा ये सब क्या लोकल मान्यता है लोगों का, ठीक है कर है देयर वेयर। अब हम लोग गाँव में क्या था, नहीं वो ढेला ही देवी था, वहाँ लोग जाता था ढेला चढ़ा देता था, तो ये सब का थी लोकल बिलीफ्स है। हिंदू धर्म में कोई लिखा है कि ढेला ही देवी या कुछ भी होगी, नहीं क्या लोकल बिलीफ है, हमारा लोकल आस्था है समझे। ऐसे ही वियतनामी जो भी किसान थे उनका भी एक आस्था था। कर है देयर आर मेनी पॉपुलर रिलीजन इन वियतनाम दैट वॉज स्प्रेड बाई पीपल हु क्लेम्ड टू हैव सीन विजन ऑफ गॉड। कह रहा है कि वियतनाम में क्या हुआ था, बहुत अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग जब भी रिलीजियंस के लोग क्या थे फैले हुए थे, अलग अलग रिलीजन फैला हुआ था। अब रिलीजन अलग अलग कैसे फैला, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या हुए आए और बोले कि उन्होंने ईश्वर के क्या किया है कि विजन ऑफ गॉड देखा है कि भगवान क्या चाहते हैं, ठीक है इस टाइप से क्या हुआ, बहुत सारा अलग अलग फैला। ऐसे बौद्ध धर्म हुआ जैन धर्म हुआ ये सब क्या हुआ, ये लोग भगवान का क्या चाहते हैं ये बताया। सम ऑफ दीज रिलीजियस मूवमेंट सपोर्टेड टू द सपोर्ट द फ्रेंच बट अदर इंस्पायर्ड मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और देखिए जो अलग अलग मतलब ये लोग थे रिलीजियस, इसमें से क्या हुआ कि कुछ धार्मिक आंदोलन क्या करते थे, फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे, जबकि कुछ लोग कहते कि जो आंदोलन फ्रांसीसियों के विरोध में चलता था उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। और फिर कह रहा है वन सच मोमेंट वाज द हुआ हुआ हाउ हाउ, इसमें एक वो मोमेंट था जिसका क्या नाम था हाउ हाउ, क्या नाम था हाउ हाउ। कह रहा इट बिगेन इन 1939 ग्रेट पॉपुलरिटी इन द फर्टाइल मेकोंग डेल्टा एरिया। अब देखिए मेकोंग नदी हो पाया था जिसमें जॉन सोस खोजा था उसको उसे मुहा दिया था, ठीक है। तो हाउ हाउ आंदोलन जो था, ठीक है एक आंदोलन था 1939 में शुरू हुआ, और जो मेकोंग डेल्टा का इलाका था, डेल्टा का होता है जिधर नदी के आसपास का, इसमें क्या हुआ बहुत ही ज्यादा इसको लोकप्रियता मिली। और इट ड्रीव ऑन रिलीजियस आइडियाज पॉपुलरिटी इन एंटी फ्रेंच अपराइजिंग ऑफ द 19th century। इससे क्या हुआ 19वीं सदी के में क्या हुआ कि उपनिवेशवाद के विरोध में जो आंदोलन उपजे थे उन्हीं के विचार से क्या था ये उत्प्रेरित था, मतलब उन्हीं के विचार को क्या करता था ये फॉलो करता था। आप समझ गए, कह रहा है द फाउंडर ऑफ हाउ हाउ वॉज मैन कॉल्ड हिन फू सो। जो हाउ हाउ आंदोलन था इसके संस्थापक का नाम था हुइन फूसो, चाइनीज इंडियन का नाम ऐसे रहता है फूसो ट्यूसो ग्यूसो कुम्फो। अब चाइनी चाइनी न था उस टाइम, चाइनी का एक पार्ट था। ही परफॉर्म मिरेकल्स एंड हेल्प द पुअर। वो क्या करते थे कि अभी वो देखिए गांव में जादू टोना होता है, ठीक है इसी तरह वो क्या करते थे, वो जादू टोना किया करते थे हुन फूसो और गरीब लोगों का मदद करते थे। इज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट अनलेस एक्सपेंडिचर हैड ए वाइड अपील। उनका क्या था कि उनका देश में
क्या हुआ कि लोगों पर क्या हुआ, बहुत असर दिखा उनका। और जो लोग का हेल्प करेंगे तो लोग उन पर लोग का असर होगा ही। ही ऑल्सो अपोर्ट द सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स गैम्बलिंग एंड द यूज ऑफ अल्कोहल एंड ओके। और उन्होंने एक और चीज़ किया कि जो छोटी छोटी लड़कियों थी, मतलब जिनको चाइल्ड ब्राइड मतलब बालिका वधु कहते हैं, उनके खरीद फरोख्त उनका उसके शराब और अफीम का क्या था, विरोध करवाते थे। ठीक है। और द फ्रेंच ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट इंस्पायर्ड बाई हिंद फूसो। फ्रांसीसी भी पीछे कहाँ हटने वाले थे, वो सब सुरक्षा का किया कि ये आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। दे डिक्लेयर्ड हिम मैड, कॉल्ड हिम द मैड बॉन्ज एंड पुट देम हिम इन मेंटल असाइलम। अब देखिए ससुरा कितना खच्चड़ था। वो सब क्या ससुरा का किया कि जन जादू टोने करते थे बाबा, जिनका नाम था फूसो, वो पागल घोषित कर दिया। और उनको बोलने लगा पागल बोंजे, उनका नाम था दिया। उनको क्या किया, सरकारी पागल खाने में उनको धा दिया। ठीक है। इंटरेस्टिंगली द डॉक्टर हु हैड टू प्रूव हिम इनसेन बिकम हिज फॉलोअर एंड फाइनली इन 1941 इवन द फ्रेंच डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट ही वाज सेन। और देखिए देखिए जो बढ़िया आदमी होगा ना उसको सब लोग बढ़िया कहेगा, चाहे भले आप उसके विरोधी कहे ना। अब देखिए अभी इसके बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर को जिम्मेदारी सौंपा गया था कि वह फूसो को क्या करेगा, पागल घोषित करेगा। फूसो के विरोध में एगो डॉक्टर खड़ा किया गया। और माने ऐसे थोड़ा कि जो पागल हो जाए, तो एगो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर बोला गया कि तुम ही को इसको पागल घोषित करना है। अब उस ससुरा क्या हुआ कि फूसो को तो अच्छा आदमी था। अब वो डॉक्टर के क्या हुआ कि इसका अनुयायी बन गया, कर चेला बन गया। कहा कि बाबा आप जे कहिएगा से हम करेंगे, आप ही के हम शरण में हैं। अब ससुराया को अधीर रहता है, कह रहा पगला नहीं आया था। अब देखिए अब क्या हुआ, बड़ी बड़ी ड्रामा हुआ। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है एंड फाइनली इन 1941 इवन द फ्रेंच डॉक्टर्स डिक्लेयर दैट ही वाज सेन। और 1941 में क्या हुआ, फ्रांसीसी जो भी डॉक्टर थे वो लोग मान लिए कि पागल नहीं है। ठीक है। द फ्रेंच अथॉरिटी एक्जाइल हिम टू लाओस एंड सेंट मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स टू कंसंट्रेशन कैंप। और देखिए ये सब यहू पर मैंने फ्रांसीसी तो बड़ी अत्याचारी था, लोग कहता था अच्छा था, बड़ी खच्चर था। उसके बाद फ्रांसीसी सरकार का किया कि उसको वियतनाम से निष्कासित कर दिया। उसको कहाँ भेज दिया, लाओस भेज दिया। और उसका बहुत सारा जो समर्थक था अनुयायी था उसको कहाँ ला दिया, यातना शिविर में, जहाँ पे आपको बहुत मारा पीटा जाए, आप पर तरह तरह के अत्याचार किए जाए, वे होता है यात्रा शिविर। ठीक है। कर मोमेंट लाइक दिस ऑलवेज हैड ए कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप विथ मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म। कर रहे हैं इस तरह के आंदोलन का क्या था कि जो राष्ट्रवाद की मुख्य धारा थी, मतलब जो राष्ट्रवादी आंदोलन होते थे उसके साथ हमेशा का अंतर विरोधी संबंध रहता था। करें पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन ड्रू अपॉन देयर सपोर्ट बट देयर अनइजी अबाउट देयर एक्टिविटी। अब देखें जो राष्ट्रवाद के समर्थक क्या थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज बने थे, उस सरसर क्या करता था कि जब ये आंदोलन शुरू होता था इसमें जन समर्थन मिलता था तो इसका फायदा उठाना कोशिश करता था, लेकिन इसमें जो भी काम होता था उससे भी क्या करते थे, बचने का चाहते थे। मतलब इसमें अपने से सामने के पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। करे दे कुड नाइदर कंट्रोल और डिसिप्लिन दिस ग्रुप नॉर सपोर्ट देयर रिचुअल एंड प्रैक्टिस। वो लोग क्या करते थे कि राजनीतिक दल का क्या था कि इस समूह पर कोई भी नियंत्रण या अनुशासन कायम करने में क्या होता था, इनको परेशानी महसूस होता था। और उनको रीति रिवाज और जो भी उनका रिचुअल्स था, उस रीति रिवाज उसका ये लोग समर्थन भी नहीं करते थे। समझ में आ रहा है। अब इसीलिए क्या होता था कि वो लोग इन लोगों को बस इतने से मतलब इन्हें जितना भी जन समर्थन है, लोगों का जो समर्थन है इन सब आंदोलन का, उससे हमको का फायदा हो जाए, बस ये उनका मेन मोटिव था। कर एट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोमेंट इन अराउजिंग एंटी इंपेरियलिस्ट एंड सेंटिमेंट शुड नॉट बी अंडर। इसके बावजूद कहा हुआ कि जो भी साम्राज्यवादी भावना था इसको झकझोरने का
सब आंदोलन का भी महत्वपूर्ण था, उनको भी क्या हुआ, कौम नहीं मापा जा सकता। भले वो लोग इसमें खाली क्या करते थे, जो भी राजनीतिक पार्टी थी वो इसका जन समर्थन का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन इसको भी कम नहीं मापा जा सकता। इसका भी एगो क्या स्थान है। और हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मान लीजिए कि थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो आपके क्लासमेट हैं वो तो 10th में पढ़ते हैं तो उनको भी फायदा हो जाएगा। हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ जाकर क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब आधुनिकीकरण का संकल्पना। तो थोड़ा इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने स्कूल में, जो भी आपके दोस्त हैं जो 10th में पढ़ते हैं जिनको जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने का। जब 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम दो दो दिन तीन तीन दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अभी लोग क्या है कि कम देख रहे हैं, इसके कारण क्या है कि हम थोड़ा छोटा छोटा वीडियो कर रहे हैं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएगा हम एक एक दो तीन तीन दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और हम आपके एग्जाम आते आते हम आपका दो तीन बार रिवीजन करा देंगे हिस्ट्री का। एक और बात, आपके जो भी मतलब लोग 10th का इस साल परीक्षा देने वाले हैं उनसे कह दीजिएगा कि हमारे चैनल पे क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा एग्जाम के जस्ट 1 घंटे बाद, एग्जाम के जस्ट 1 घंटे बाद। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें।